हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं अश्वार कांत। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3rd से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd सेज एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। आपके पास 616 मेंबर्स की एक टुकड़ी है जो एक आर्मी बैंड के पीछे चल रही है। बिहाइंड ऑफ 32 मेंबर्स, 32 मेंबर्स हैं उनके पीछे चल रहे हैं इन अ परेड, एक परेड में। द ग्रुप टू ग्रुप्स आर टू मार्च, दो ग्रुप हैं जो मार्च कर रहे हैं, जो उसके पीछे चल रहे हैं इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। जो आपके चलने हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में ही चलने हैं। ये टू कॉलम्स जो होंगे ये सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में ही इनको चलना है, मतलब ये दो लाइन है इनमें सेम नंबर ऑफ मेंबर्स ही जो होंगे वो चल रहे होंगे इस तरीके से। What is the maximum number of column in which they can march? अब बताइए कि ऐसे maximum सबसे ज्यादा कितने column बनने चाहिए कि जो आपके 616 members हैं ये सारे के सारे इसमें फिट आ जाएं। तो ये देखिए, ये जैसे हमने एक ये एक column है, ये second one column, second column, C1, C2, ऐसे और हमें कितने column बनाने पड़ेंगे C3 and so on, कि ये जो हमारे पास मेंबर्स हैं ये दोनों टुकड़ियों के दो बैंड हैं और ये सारे के सारे सेम नंबर ऑफ 5 5 5 5 इस तरह सारे में आ जाएं या जितने भी आपके आएंगे वो आने चाहिए। अब इस तरीके से कितने उसने बोला है, कितने आप कॉलम बनाएंगे, कितने कॉलम बनाएं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं ये भी बिल्कुल सेम हो, ये 4 4 4 5 5 5 व्हाटएवर जो भी आपके आए वो सेम होने चाहिए। तो ऐसे आपको नंबर ऑफ कॉलम्स बताने वो मैक्सिमम। तो अब आपको गाइस क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपके पास ये आएगा वर्ड मैक्सिमम, मैक्सिमम मींस हाईएस्ट, हाईएस्ट जैसे ये वर्ड आ गया, इस हाईएस्ट पर मैक्सिमम पर आप फोकस करेंगे। तो हाईएस्ट का मतलब है मैक्सिमम, सबसे बड़ा। अब हाईएस्ट जो है आपके पास ये होता है HCF, आपके पास वर्ड आना चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे ही आपके पास मैक्सिमम वर्ड आएगा आपके माइंड में आना चाहिए हाईएस्ट, हाईएस्ट जहां आया वहीं आ जाएगा एचसीएफ। अब आपको सिंपली करना है इन दोनों का क्या एचसीएफ फाइंड आउट करना है और जो एचसीएफ आएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए गाइस, क्यों, क्योंकि आप इसमें मैक्सिमम फिट करना चाहते हैं ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने आप फिट कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम आप कितने कॉलम बनाए कि ये नंबर ऑफ कॉलम जो आपके पास रोज बनेंगे मेंबर्स बनेंगे हर एक में फिट आए बिल्कुल। जैसे जैसे 4 4 4 आ रहे हैं तो ये 4 4 4 ही सब में आने चाहिए। तो ऐसे बताइए कि आपको कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे कि जिसमें आप ये 4 4 4 को फिट कर लो, बस ऐसे आपको कॉलम बताने कितने आएंगे। तो वो आएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जितने भी आपके आ जाए। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब आपको फाइंड आउट करना है इनका HCF। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, सिंस 616 इज ग्रेटर देन 32, अब आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कीजिए और अपना आंसर फाइंड आउट कीजिए। अब आपको डिवाइड करना है 616 को, आप बनाएंगे अपना डिविडेंड और 32 आपका होगा डिवाइजर, डिवाइड कर लीजिए। ये आएगा वन टाइम्स में आपका ये आएगा 32, माइनस कीजिए ये आपका बन गया, बच गया ये 29 हो जाएगा। अब ये 6 यहाँ पर आप नोट करेंगे, 6 आपने नोट किया, अब डिवाइड कीजिए इसे, कितनी बार में चला जाएगा ये 9 टाइम्स में, ये आ जाएगा 32 288, माइनस कर लीजिए ये आपका बच जाएगा। अब आप इसे यहाँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप यहाँ लिख लीजिए, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप आप फॉलो कीजिए, ये आ गया आपका 32 आपका बन जाएगा डिविडेंड, 8 4 जा 32, ये आ गया आपका रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा तो HCF क्या होता है, यही आपका HCF हो जाता है। तो आप इसे लिख लेंगे 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, सो HCF आपका क्या आ गया, दिस 8 इज योर HCF, सो देयरफॉर HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो हेंस या सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, सो रिक्वायर्ड
नंबर ऑफ कॉलम्स आर एट, आपके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे एट। इस तरह से आप यह आंसर करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर। अब आपसे बोला गया है कि आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, उसका आप स्क्वायर करेंगे। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का आप स्क्वायर करेंगे तो वो या तो 3 इंटू एम टाइप का होगा या 3m प्लस 1 टाइप का होगा। दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ 3 और 3 मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक नंबर है आपके पास m, आप 1 ले लें तो 3 इंटू 1 3, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 3m प्लस 1 या तो 3 होगा या फिर 4 या फिर 6 या 7, 9 और 10, कुछ इस टाइप से ही नंबर आपके हमेशा एक्सप्रेस आप कर पाएंगे आप किसी भी m इंटीजर के लिए, m आपके कोई भी इंटीजर है। आइए देखिए इसके इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका सॉल्यूशन ये देखिए। सबसे फर्स्ट आपको लेना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, तो आप सबसे फर्स्ट आप काम कीजिए कि एक पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए। क्या लेंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर, ये देखिए लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपने क्या किया भाई, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। अब आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट आप ये आप देखिए, अब आपको एक बी अपना चूज करना पड़ेगा। एक बी, बी आपको क्या लेना है, ये देखिए 3m और 3m प्लस 1 है तो बी आप लेंगे 3। एंड टेक बी इज इक्वल टू 3, आपने बी ले लिया 3। अब आपके पास बी है 3, सो देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स। क्यू एंड आर सच दैट ए कैन बी रिटन एज 3 इंटू क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ये आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज R can take the values. अब R की आप सभी possible values लिख सकते हैं। R आपके पास एक integer है, greater equal to 0 and less than 3 है, तो R की values क्या हो सकती हैं, तो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि 3 से less than है, कुछ नहीं हो सकता। ये आपके पास R की value होंगी। अब आपके पास R की value है 0, 1 और 2। अब आप एक एक करके ये तीनों values put करेंगे R के place पर। अब आपका जितने केस बनेंगे उस पर हम डील करेंगे। देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं, इफ आर इज इक्वल टू 0 देन आपका ए क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू आर, अगर आपका आर अगर 0 हो गया तो ये होगा 3 इंटू क्यू प्लस 0, दैट मीन्स 3 इंटू क्यू हो जाएगा। ये हो गया 3 इंटू क्यू टाइप का, लेकिन आपको तो बात ए स्क्वायर की करनी है। अभी हम अपने ए पहले बना लेते हैं। इफ आर इज इक्वल टू 1 देन ए इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। इफ आर इज इक्वल टू 2 देन ए इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब आपको बात किसकी करनी थी, आपको ए तो नहीं चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए। वी नीड इट्स स्क्वायर, हमें इसके स्क्वायर को फाइंड आउट करना है, ए को नहीं। ये पॉजिटिव इंटीजर था आपका, एक पॉजिटिव आपने इंटीजर लिया, वो आपके पास आ गया ए, वो ये है, तीनों केस आपने बना लिए। अब हमें इसकी नीड नहीं है, हमें किसकी नीड है, स्क्वायर की। हमें तो स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो अब बात करते हैं स्क्वायर की। जब भी आपको स्क्वायर निकालना हो, क्यूब निकालना हो, व्हाटएवर जो भी आपको निकालना हो, आपको सबसे पहले अपना ए फाइंड आउट करना होगा। ए आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और डिविजन लेमा लगा करके आप उससे अपना ए फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसके बाद अब आप बात करेंगे स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर, क्यूब निकालना है, क्यूब व्हाटएवर जो भी निकालना हो, तो अब हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है। हम बात करते हैं स्क्वायर की, कब, इफ आर 0 देन ए स्क्वायर क्या होगा। अगर आपके पास आर 0 है तब ए स्क्वायर क्या होगा, आर आपके पास 0 है देन ए की वैल्यू क्या है 3q, ये आएगा a 3q और ये रहा इसका स्क्वायर, आपने स्क्वायर कर दिया।
ओपन कीजिए स्क्वायर, सिंप्लीफाई कीजिए, ये होगा 9Q² ये आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3 × m टाइप का या फिर 3m+1 टाइप का। तो इसे जिसे भी हम बना सकते हैं उसे उस फॉर्म में अपना कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया 3 × 3Q² ये से लिख सकते हैं। 9Q² को आप लिख सकते हैं 3 × 3Q² 3 × 9Q² आ जाएगा, इसे आप ऐसे लिखेंगे। ये आ गया आपका 3 × m, वेयर m इज इक्वल्स टू 3Q² और दिस इज एन इंटीजर, ये आपका इंटीजर है। 3 × m टाइप का होना चाहिए, 3 × m टाइप का हो गया, फोर सम इंटीजर m, m कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो m आपका ये इंटीजर हो गया। चेक कर लीजिए क्या ये इंटीजर होगा, देखिए q आपका इंटीजर है, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज इंटीजर, दैट मीन्स q इंटू क्यू स्क्वायर हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर एंड 3 इज ऑल्सो एन इंटीजर, सो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर इंटीजर, सो 3 × q² इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो ये इंटीजर आ गया आपके पास। अब देखिए ये हो गया आपका, जब आपके पास r 0 था, तो अगर r 0 होगा तो आपका a स्क्वायर जो है 3 × m टाइप का हो जाएगा। अब ये केस, ये हो गई बात हमारी फिनिश। हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की, इफ अगर r आपका 1 हो देन a स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर आएगा, a की वैल्यू क्या है, इफ r इज 1 देन a इज इक्वल्स टू 3Q+1, a इज 3Q+1, ये आ गया इसका स्क्वायर, था स्क्वायर कर दिया आपने। अब a प्लस बी, ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, आज ओपन कर दीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला उठा है आपके पास, a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab+b², ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर आप ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab+b², ये आपने ओपन कर दिया, ओपन दिस, इसे ओपन कीजिए, ये आ गया आपके पास 9Q² प्लस 3×6Q+1, ये आ गया आपके पास। अब आपको देखिए ये लास्ट में 1 दिख रहा है, 1 जहां दिखेगा आपको अब काम करना होगा 3m+1 की फॉर्म बनाने पर, तो आपको इस तरह से काम करना होगा। ये देखिए यहां से अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 आप कॉमन ले लीजिए, 3 आपका कॉमन आ गया, ये बचेगा 3Q² प्लस 2 × Q+1, ये आपके पास बच जाएगा। अब इसे आप क्या कर सकते हैं, 3 × m+1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर m इज, जहां m आपके पास क्या होगा, 3 × Q² + 2Q, आपके पास m की वैल्यू ये आ जाएगी और दिस इज एन इंटीजर, ये आपका होगा इंटीजर, ये आपके पास आ गया। आप जब आपके पास r 1 है देन a स्क्वायर क्या आ गया, 3m+1 की फॉर्म में आ गया, ये आपके पास r आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इफ r अगर आपका 2 हो जाए, यदि r आपका 2 होगा देन तब आपके पास a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर इज 3Q+2 होल स्क्वायर, r अगर 2 होगा a की वैल्यू आपके पास क्या है, 3Q+2, फिर से अगेन स्क्वायर ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab+b², ये आ गया, इसे ओपन कीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 9Q² प्लस ये आ जाएगा 12Q+4। अब देखिए गाइस यहां पर अब आपके पास फिर से 4 आ गया, आप यहां से पूरे में से 3 कॉमन नहीं ले सकते, तब आपको क्या करना होगा, कुछ इस 9Q² प्लस 12Q+3+1, आप 4 को इस तरह ब्रेक कर लेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें से आपका 3 कॉमन आ जाएगा, इन तीनों में से आप यहां से 3 कॉमन आउट ले लीजिए, टेकिंग कॉमन आउट 3, ये बच जाएगा आपका 3Q² + 4 × Q+1 और ये 1 आपका ये बाहर वाला आ जाएगा, ये आ गया। दिस कैन बी रिटन एज 3 × m+1, वेयर m आपके पास क्या हो जाएगा, वेयर m इज इक्वल्स टू, ये आपके पास m हो जाएगा 3Q² + 4Q+1, ये जो आपके पास ये कंप्लीट बचेगा ये आपका m हो जाएगा। अब आपके पास क्या हो गया, अगर r आपके पास 2 है देन a स्क्वायर क्या आ गया, 3m+1 टाइप का आ गया। अब आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास r कुछ भी हो, इसका मतलब आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं a, r आपके पास ही आएगा। अब r की वैल्यू कुछ भी हो, हमेशा आपके पास a क्या आएगा, a स्क्वायर जब आप करेंगे तब आपका या तो 3m या फिर 3m+1 इसी फॉर्म में आएगा कुछ ना कुछ,
यही आपको शो करना था, ये हो गया आपका प्रूफ। इस तरह से आप शो करेंगे, लास्ट लाइन आप लिख देंगे। सो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म, ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फोर सम इंटीजर m के लिए। ये आपका आंसर इस तरह से कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, बोला यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। आपके पास इस बार है, लास्ट क्वेश्चन में था हमारे पास स्क्वायर, इस बार है क्यूब। सेम आपको वही करना है, ए तक तो हमें वही सेम काम करना है, उसके बाद जो हमें उसका स्क्वायर जो हमने फाइंड आउट करता है वहां हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए अपना ले लेंगे, एंड टेक बी आपको अब क्या लेना है, यहां थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी होगी। अब आपको बी अपना इस टाइप से लेना है कि इसका क्यूब करें और हमारे पास 9 आ जाए, क्योंकि हमें इसका क्यूब चाहिए। अब आप ये 9 भी ले सकते हैं, लेकिन 9 लेंगे तो अब आपके पास आर के 9 केस बनेंगे, फिर वो सारे के सारे आप सॉल्व करेंगे। तो आपको यहां पर 9 नहीं लेना है, ये बात ध्यान रखनी है। आपको ये लेके आना है ये 9, लेकिन ये कब लेके आना है, जब आप किसी नंबर का क्यूब करेंगे। आपने एक ये नंबर अपना ए लिया है, इसका जब क्यूब करेंगे तब आपके पास 9 चाहिए। तो अब आप ऐसा क्या लें जिसका क्यूब करें और आपको इजीली 9 मिल जाए। अगर हम बी की वैल्यू 3 ले लें, टेक बी इज इक्वल्स टू 3, ये हमारे अपने यहाँ पे हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे चूज करना पड़ता है कि हमारा काम बन जाए। अगर आप यहाँ बी 3 ले लेंगे, 9 ले लेंगे तब भी काम बनेगा, बट आपके केस बहुत ज्यादा बन जाएंगे, तो हमें वो काम नहीं करना है, हमें अपना टाइम भी बचाना है और सॉल्व भी करना है। तो अब देखिए बी आप ले लीजिए 3, बी आपने चूज कर लिया 3, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, कि लेमा आपसे क्या कहेगा, लेमा कहता है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स आपको मिलेंगे क्यू एंड आर सच दैट, कि आप ए को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 into Q plus R वेयर आर इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। सो दिस इंप्लाइज आर कैन टेक द वैल्यूज। अब R की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, यही 3 वैल्यू R की हो सकती हैं। तो अगेन इसमें भी 3 केस हम बनाएंगे, इफ R इज 0 देन A इज 3 इंटू क्यू प्लस 0, इट मीन्स 3 क्यू। इफ R इज 1 देन A इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1। इफ R इज 2 देन ए इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2, ये आपके पास आ जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका क्यूब। हम फर्स्ट अपना ए बनाएंगे, इसके बाद हम बात करते हैं ए क्यूब पर। आइए देखते हैं गाइस, इफ आर इज 0, अगर आपके पास आर 0 हो देन इसका क्यूब क्या होगा, देन ए क्यूब इज वॉट, ए इज 3 क्यूब, तो ये आ गया 3 क्यूब का होल क्यूब। इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये आ जाएगा आपके पास कितना, 27 क्यूब क्यूब। आप इसे 9 के मल्टीपल में लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, 9 into 3 into Q क्यूब, ये आपने लिख दिया। ये आप हो, आपका हो गया 9 into m, वेयर m क्या है आपके पास, 3 into Q क्यूब, और ये आपका इंटीजर होना चाहिए, ये बिल्कुल इंटीजर है, क्यू इंटीजर, उसका क्यूब करेंगे वो भी इंटीजर आएगा, मल्टीपल ऑफ 3 करेंगे वो भी आपके पास इंटीजर आ जाएगा। ये आपके पास आ गया 9 into m टाइप का, फर्स्ट केस आपके पास बन चुका है। गाइज नेक्स्ट देखते हैं, इफ अगर r की वैल्यू क्या हो जाए, 1, देन अगर आपका r 1 हो देन a क्यूब क्या आएगा, r आपके पास 1 था देन आपके पास a की वैल्यू क्या, 3 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब। अब आपको a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना है। a प्लस बी होल क्यूब का जो आपका फॉर्मूला होता है वो गाइस होता है a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b
प्लस थ्री ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, ये होता है। इसे आप ओपन कीजिए, ये आ गया आपका पास ए ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, ये आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका आ गया 27 क्यू क्यूब प्लस, ये अगेन थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस थ्री थ्री जा नाइन क्यू, वन स्क्वायर वन हो जाएगा, नाइन आ जाएगा, प्लस वन क्यूब इज वन। अब आपके पास लास्ट में देखिए वन है और यहां इस सब में नाइन है, आप यहां से नाइन कॉमन ले सकते हैं इन तीनों में से, इन तीनों में से नाइन आपका कॉमन आउट आ जाएगा, ये आप ले लीजिए नाइन यहां से कॉमन, ये बच गया आएगा आपका नाइन थ्री जा 27 क्यू क्यूब प्लस थ्री नाइन थ्री जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस नाइन वन जा नाइन, और ये बच जाएगा अंदर आपका क्यूब प्लस वन, ये वन आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि आपने इसमें से नाइन कॉमन लिया। ये आपका हो गया नाइन इंटू एम प्लस वन, वेयर एम की वैल्यू क्या है, थ्री क्यू क्यूब प्लस थ्री क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, और ये आपका गाइस इंटीजर है, थ्री क्यू क्यू इंटीजर, इट्स क्यूब इंटीजर, मल्टी ऑफ थ्री इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी सम ऑफ इंटीजर ऑल्सो एन इंटीजर, तो ये पूरा आपका एम इंटीजर है। एम प्लस वन नाइन एम प्लस वन के टाइप का आ गया, ये आपके आपको लेके आता है, ये देखिए आपका सेकेंड पार्ट आ चुका नाइन एम प्लस वन। थर्ड केस की बात करते हैं, इफ अगर आपका आर हो जाए टू देन ए क्यूब क्या आएगा आपके पास, आपके पास ए है थ्री क्यूब प्लस टू होल क्यूब, ओपन कर लीजिए सेम ये फॉर्मूला आपके पास लगे, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, ये आ जाएगा। आप गाइस ये ओपन कीजिए, ये आएगा आपका 27 क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा थ्री थ्री या नाइन, 27 27 टू जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस थ्री थ्री जा नाइन, नाइन फोर जा 36 क्यू प्लस टू क्यूब इज 8, ये आपके पास आ जाएगा। अब गाइस ये आप इन तीनों में से आपके पास तो नाइन कॉमन आ जाएगा, लास्ट में आपको 8 मिल गया, आपको लास्ट केस एक चाहिए ये आपके पास। अब आप इसको 9 इंटू एम टाइप का बनाने की कोशिश कीजिए, इसे आप लिख सकते हैं 9 यहां से कॉमन आएगा, ये कितना आपके पास बचेगा 3 क्यू स्क्वायर 6 क्यू क्यू स्क्वायर, अच्छा गाइस ये क्यूब है क्यू एंड 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 फोर जा 36 इंटू क्यूब प्लस 8, ये आ गया, ये आपके पास बच जाएगा 9 इंटू एम प्लस 8, ये आ जाएगा 9 एम प्लस 8 इस फॉर्म का आ गया, वेयर एम आपके पास क्या है, एम इज 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर इन प्लस 4 क्यूब और दिस इज एन इंटीजर। ये आपका 9 ए क्यूब, बोला ए क्यूब किस फॉर्म का है, इस फॉर्म में ही आपको चाहिए थे, ये आपके पास आंसर आ गया। सो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए क्यूब इसके इस या इस इन्हीं तीन फॉर्म में से होंगे, सो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इसी फॉर्म में आएंगे और ये आप शो कर चुके हैं, इसी फॉर्म में आपके आ गए। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद जय भारत।